चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड सेक्शन को देखते हैं, ठीक है। इस बार भी आपको वही करना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं पहले वो चेक करना है, और अगर एग्जिस्ट करेंगे तो उनको फिर डिटरमाइन भी करना बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है आपको 2x² + x - 4 = 0, ठीक। इस गिवन इक्वेशन में को जब आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² + bx + c = 0 से, तो आपको a मिलने वाला, मैं यहां पर लिखता हूं, a मिलेगा आपको एस 2, b मिलेगा आपको 1 एंड c मिलेगा आपको -4, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं विच इज b² - 4ac, तो d मिलेगा आपको, b की वैल्यू देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है आपके पास -4, विच फर्दर गिव्स d एज 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 4 2 8 एंड 8 4 32, तो d मिलने वाला आपको 1 + 32 = 33 विच इज ग्रेटर देन 0। d आपको जैसे ही ग्रेटर देन 0 मिला इसका मतलब द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स, रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आपको फिर उनको डिटरमाइन भी करना पड़ेगा। कैसे डिटरमाइन करना है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसमें क्या करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है आपको। उसके लिए क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट क्या मिलेगा आपको, x² + x/2 - 2 = 0, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में क्या करते हैं, हम मैं यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x उस पूरे के स्क्वायर को, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं x² + x/2 एज सच, अब मैं ऐड करूंगा, सबसे पहले ऐड करूंगा हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कितने देखिए 1/2, x का कोएफिशिएंट 1/2 है इस पूरे का स्क्वायर, इसी को फिर माइनस भी करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर -2 ये जो बच रहा है = 0, तो आपको मिलने वाला x² + x/2 + ½ × ½ = 1/4, उसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 1/16 माइनस ऑफ, अगेन ये हो जाएगा 1/16 -2 = 0। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ अटेम्प्ट मत होइएगा इनको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि वापस आप वहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब क्या करिए, फर्स्ट 3 टर्म्स जो दिख रहे हैं इनको रिटेन करिए LHS में और इनको लेके जाइए आप RHS में, तो क्या मिलने वाला है आपको, x² + x/2 + 1/16 = ये जब RHS में जाएंगे तो हो जाएगा 1/16 + 2, ठीक है। इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे, हम LHS को रीराइट करते थे और RHS को सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है। RHS को हम सिंप्लीफाई करते थे और LHS को रीराइट, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे कि वो रिजेंबल करे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x² + x/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × x × 1/4। आप देख सकते हैं जब मैं कैंसिल करूंगा 2 1s 2 2s वापस x/2 मिलेगा मेरे को, प्लस 1/16 को आप लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS में जब आप LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 32/16 विच इज इक्वल टू 33/16, ये आपका RHS है, ठीक है। अब LHS को नोटिस करिए, ये किसको रिजेंबल कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है a² + 2ab + b² वाले फॉर्म को, जिसमें a कौन है आपका x और b कौन है 1/4, और हमको पता है कि ये खुद कितना होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं एज x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में क्या चल रहा है देखिए 33/16, ठीक है, विच इंप्लाइज। अब यहां पे क्या करिए आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको मिलेगा x + 1/4 = √33/16, ये प्लस माइनस में मिलेगा आपको, और 16 के रूट आपको मालूम है 4 होता है, तो ये हो जाएगा +-33/√4, तो ये आपका RHS है, ये आपका फाइनल RHS। LHS क्या चल रहा है x + 1/4, विच मीन्स इधर x + 1/4 = + √33/4 और
एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 33 ओवर 4, ठीक है, विच गिव्स अस एक्स एज प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 33 ओवर 4 माइनस 1/4, इससे मिलने वाला है, और एक्स एज ये एक्चुअली 1/4 है, यहां गलती से 4 लिखा गया है, ये 1/4 होगा, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4 माइनस 1/4, बस थोड़ा सा काम बचा है, ये एक्स आपको मिलने वाला एज एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 33 माइनस 1, ठीक है, और यहां पे भी आप 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको एक्स मिलेगा अंडर रूट ऑफ माइनस 33 माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके अंडर रूट ऑफ 33 प्लस 1 बाय 4, एक ही बात है, तो आपको दो रूट्स मिल गए, एक एक्स मिला आपको ये और एक एक्स मिला आपको ये, ठीक है, तो आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले चेक किया कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डी, और उसके बाद डी जब आपको ग्रेटर देन जीरो मिला तो आपने इसको सॉल्व भी किया बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है, चलिए दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन।